नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति आराधना चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के अंत में माता की कथा सुनी जाती है और शुक्रवार व्रत की कथा संतोषी माता निम्न है। एक बुढ़िया थी, उसके सात बेटे थे। छह कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया छहों बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह सातवें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आँखों से न देख लूँ मान नहीं सकता। बहू हंस कर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया, घर में सात प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। छहों भाई भोजन करने आए, उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा, छहों भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा छहों भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाया, राम भरोसे हम रही ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधी मती हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया, चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी, रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 1.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना।
प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आए। 1 शुक्रवार बीता की दूसरे को उसके पति का पत्र आया और 3 शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीददार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ठेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा, धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है।
अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के तीन बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के तीन गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से तीन आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है, माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, चार पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया, एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहु सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया, उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी, जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया, राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुए, रोती हुई माताजी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता तुमने क्या किया, हंसा कर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया, बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना,
लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी, यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही नवमे मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया, गुरचने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।